Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Archie Golia. I hope you all are doing really good. So as you have read from the title already, it's gonna be haul जो कि होगा from the brand H&M. तो इस बार का जो मैंने कलेक्शन लिया है दैट इज ऑल अबाउट समरी गर्ली क्यूट एंड सम ऑफ द न्यूट्रल थिंग्स ऑल्सो. सो विदाउट टॉकिंग एनी फर्दर लेट्स डाइव राइट इन टू द वीडियो. ये है पूरा का पूरा डब्बा. सो दिस इज द फर्स्ट टॉप विच आई परचेस्ड. आगे से ये कॉर्सेट टाइप फील्स देता है. साइड से इसके बलून स्लीव्स पफ स्लीव्स हैं और ये आगे से जाके ऐसे यूं खुलता है. तीन टाइप की डिटेलिंग चल रही है इस पे. चौथा मैं कहूंगी इसका कलर. इतना परफेक्ट कलर है, इतना सुंदर समरी वाइब्स वाला कलर है. मैंने इसमें साइज लिया है एस. इट रिटेल्स फॉर 1299. फ्रॉम द चेस्ट एरिया इट इज फिटिंग मी सो परफेक्टली. बट दिक्कत इसी साइड में आ रही है. इसके जो स्लीव्स हैं काफी ज्यादा लूज है, बार बार इधर से घिर जाते हैं. आप इसको ऑफ शोल्डर तरीके से भी पहन सकते हो. इट इज सच अ ब्यूटिफुल समरी पीस, यू गोना लव इट. इसके नीचे आप बैगी जीन्स पहनो, बहुत क्लासिक लगोगे. नेक्स्ट थिंग व्हिच आई हैव परचेस्ड इज दिस टॉप. यहाँ पे थोड़ा फ्रिल वाला डिटेलिंग चल रहा है इसका. बाकी ये स्वीट हार्ट नेकलाइन है इसकी. मैंने इसको साइज एस में लिया है फॉर 1499. अब मेरे को आप बताओ, इस प्लेन टॉप को 1500 रुपए लग रहे हैं एंड आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ है 1500 जैसा. मेरे को तो ऑनेस्टली इसकी स्लीव्स भी पसंद नहीं आई. मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि वाइट मेरे जैसे ब्राउन स्किन टोन पर अच्छा लगता है कभी कभार, कभी कभार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. लिटरली ऐसा लगता है एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग रोड हूँ मैं, ठीक है. मटीरियल इसका अच्छा है. रेगुलरली जो H&M के कपड़े होते वैसा ही मटीरियल है. थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट जरूर है, सो यू नीड टू टेक केयर व्हाट यू वेयर इनसाइड. बाकी पर्सनली आई नॉट गोना कीप दिस टॉप. द नेक्स्ट टॉप विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस. इसकी नेकलाइन देखो आप. आई हैव सीन दिस यूट्यूबर सारा सरोज, शी वेयर्स दीज काइंड ऑफ टॉप्स अलॉट एंड नेकलाइन इसकी काफी ज्यादा प्रिटी है. इसके दो डीमेरिट्स लगे मुझे. पहला डीमेरिट ये था कि ये एक स्ट्रेचेबल कपड़ा है, ठीक है. इट इज ऑफ विस्कॉस मटीरियल. इस पे लिखा हुआ भी है ये एक विस्कॉस मटीरियल का है एंड बिकॉज आई हैव अ पॉन्च तो मुझे एकदम बॉडी पे ऐसे चिपक के आता है ये, विच अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल इन, तो ये मेरे को नहीं जमा. सेकेंडली बिकॉज विस्कॉस मटीरियल है तो ये मेरे को एकदम चिपक रहा है और ये चुभ रहा है मेरे को, तो ये चीज मेरे को नहीं जम रही है. थर्ड पॉइंटर भी है गाइस. दिस फर्स्टली दिस इज इन द साइज एस प्लस इट रिटेल्स फॉर गेस करो आप कितने का ये है. 1799 रुपए का टॉप है. आई एम गोना रिटर्न दिस. चलो अब थोड़ा सा कलर लाते हैं जिंदगी में. दिस इज द नेक्स्ट टॉप आई हैव परचेस्ड. क्यूट सा टॉप है, बहुत ही फ्रिल वाली डिटेलिंग है. जैसे कि आप देख सकते हो फ्लावर्स वगैरह भी बने हुए हैं इसके ऊपर. पीछे से प्रिटी मच स्ट्रेचेबल मटेरियल का भी है ये. मिंत्रा पे जब मैंने देखा था बहुत अच्छा लग रहा था. एकदम पतली सी गोरी चिट्टी सी ऐसी स्लीक सी मॉडल थी तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया. बट आई डोंट थिंक दिस इज फॉर दोज पीपल हु हैव हैवी बस्ट. प्लस ये जो है बहुत ही लूज है, कंटिन्यूसली घिरे जा रही थी. मैंने इसको साइज एम में लिया है एंड दिस रिटेल्स फॉर 1499. टॉप है काफी ज्यादा क्यूट. अगर आप स्लीक हो एंड यू कैन कैरी योर सेल्फ रियली वेल आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली बाय दिस. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक है. ये एक शर्ट है, इसकी डिटेलिंग देखो आप. थोड़ी सी पफी स्लीव्स इधर से भी है एंड इधर भी देखो. डिटेलिंग हर जगह से बहुत ज्यादा सुंदर दी है इन लोगों ने. ये गले में देखो आप नेकलाइन इसकी, एकदम ब्रिजिटन. अगर आपने देखा है ऑन नेटफ्लिक्स जो शो आता है उसका season 3 भी आ रहा है बाय द वे, तो एकदम वो वाइब्स दे रही है. एकदम प्रिंसेस एंड पुराने जमाने का लंदन टाइप वाइब्स दे रही है ये मुझे एकदम. और बहुत सुंदर टॉप है, मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैं कह रही हूँ ना कुछ वाइट ब्राउन स्किन टोन्स पे सूट करते हैं, कुछ नहीं सूट करते हैं. ये उन वाइट्स में से एक है, ऑफ वाइट जैसा है जो मुझ पे अच्छे से सूट कर गया.
ये साइज एक्सेस में. यूजुअली अगर मैं मेरा बॉडी टाइप आपको बताऊं, आई एम दैट पर्सन हु वेयर्स एम या ज्यादा से ज्यादा एल, बट एच एंड एम की साइज वैरीज अ लॉट. एंड मिंत्रा पे, क्योंकि तुम इतनी शॉपिंग करते हो तो मिंत्रा वाला खुद ही तुम्हें बता देता है कि तुम्हारी परचेज हिस्ट्री के हिसाब से तुम्हारे को ये साइज आएगा. तो मैंने सब अपने परचेज हिस्ट्री के हिसाब से जो जो साइज वो बता रहा था वही सब लिया है. एंड दिस इज ऑफ 1799. अब व्हेन इट कम्स टू 1799 मतलब 1800 रुपए, आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट, क्योंकि द मटीरियल इज वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट. प्लस जो इस पे डिटेलिंग दी गई है, मतलब लगता है कि हाँ तुमने थोड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा पहना है. नेक्स्ट आई वांट टू शो यू सम सिगरेट ट्राउजर्स. ऐसी दिखती है ये, दिस इज द फ्रंट पार्ट, स्पेसिफिकली ऑफिस गोइंग लोगों के लिए है ये. ऑफिस है या कुछ मीटिंग्स हैं या किसी इवेंट में जाना है एकदम फॉर्मल रेडी होकर आपको, तो ये ट्राउजर्स आपके लिए परफेक्ट है. द मटीरियल इज ऑल्सो सो सॉफ्ट एंड आई थिंक इतना सॉफ्ट मटीरियल है कि अगर आप मशीन वॉश भी करोगे ना तो इसके रू, इंग्लिश में बोले तो लिंट जो होते हैं निकल के, वो नहीं आएंगे. काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसकी. थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इलास्टिक है, तो ये स्ट्रेचेबल मटीरियल भी है इसका. आई हैव परचेज दिस इन द साइज 42. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जारा और H&M में, जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में जारा गई थी तो वहाँ पर भी मुझे, मैं साइजेस जब चेक कर रही थी तो मैंने अपना 32 के हिसाब से साइज ले लिया था. एंड मैं चेक करने गई, फिट ही नहीं आ रही, टांगों के ऊपर ही नहीं चढ़ रही. फिर उसके बाद मैंने 36 ट्राई किया या फिर वेस्ट पे लगा लगा कर देखा एंड आई रियलाइज 42 साइज आएगी मुझे. मतलब आप सोचो, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो जारा एंड एकदम से 42 साइज. बट लेटर ऑन आई रियलाइज की साइजिंग, एयर आई वॉज क्वाइट यंग, ठीक है, तो साइजेस में डिफरेंस तो रहता ही रहता है. पीछे की साइड में पॉकेट्स नहीं है, ये केवल ऐसे स्टिच्ड है. एंड दीज आर वर्थ 1499. आई थिंक 1500 रुपये में दिस इज अ स्टील डील. काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड डेफिनेटली परचेज दिस. लेंथ में भी अच्छी खासी लंबी है ये, मतलब आई एम 5'4", तो अगर आप मेरी हाइट के हो आपको ये अच्छी तरीके से आराम से आ जाएगी. नेक्स्ट इज माई फेवरेट आउट ऑफ द लॉट, कार्गो ट्राउजर्स, कार्गो पैंट्स जिसे हम कहते हैं. दिस इज इन द कलर बेज. आई एम शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स न्यूट्रल, पता नहीं क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया, बड़ापन हो गया कि क्या हो गया, बट डार्क ग्रेज, न्यूट्रल्स, ब्राउन्स, मुझे ये कलर्स आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. कभी से एकदम चटाक बनना होता है, ऐसे पॉपी कलर्स पसंद आते हैं ना मेरे को. जैसे मैं अभी नेल्स जब भी कराती हूँ एकदम टाइप के कलर करवाती हूँ. यहाँ पे जो पॉकेट है, क्यूट सी छोटी सी पॉकेट भी दे रखी है इधर. इस वाली पॉकेट में इतना आपका हाथ घुस सकता है, इधर केवल आपके जो कॉइन्स हैं वो घुस सकते हैं. एंड ओवरऑल आई जस्ट लव इट. बहुत बहुत कंफर्टेबल, अच्छी क्वालिटी, सब कुछ एकदम, मतलब 10/10 है इसका. दिस इज इन द साइज 42 अगेन एंड दिस इज ऑफ 1499. बॉटम वेयर 1500 में यार गुड इनफ, मतलब लिवाइस हो गया, कोई भी दूसरी ब्रांड हो गई, सबकी जीन्स से इतनी की तो आती है यार, 2000-3000-4000 अगर आप ब्रांडेड माल लेने जाओ. नीचे भी एकदम प्रॉपरली ऐसे पैरों पे घिरती है, बहुत वेरी 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 गुड, तो ये तो आप खरीद सकते हो. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये ट्राउजर्स, ब्लैक प्लेन ट्राउजर्स. मेरे को चाहिए नहीं थी फिर भी मैंने खरीद ली, मेरे को लगा क्या पता कभी ऑफिस खुल जाए, कभी मैं जाऊँ, कुछ हो जाए. बाय द वे गाइस, मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है. अच्छी लग रही थी तो मैंने खरीद ली. और ये साइज है M के अंदर. इसका मुझे बस एक ही ड्रॉबैक लग रहा है कि ये ना इतनी मोटी है, मतलब बहुत वाइड है बेसिकली. अब मेरे थाइज, मेरी टांगे इतनी मोटी नहीं है, इतने से टांगों में इतना घिर के आता है ये. नीचे से तो इतना घिरा हुआ अच्छा लगता है बट यहाँ पे थोड़ा सा वेयर्ड लग जाता है. सो आई एम स्टिल इन टू माइंड्स कि मुझे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बट दिस इज अ गुड परचेज. मतलब क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, प्लस इलास्टिक है, इसके अंदर इलास्टिक है. ये बना हुआ है 80% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर से और इसके अंदर 18% है विस्कॉस मटीरियल ऑल्सो.
दिस इज ऑफ 1499 सेम 1500 रुपए की है। आइए सारे इनके 1500 रुपए के, मैंने प्राइस नहीं देखी थी वाइल ऑर्डरिंग इट। मिंत्रा पे 100 200 300 रुपए हर प्रोडक्ट पे मुझको ऑब्वियसली डिस्काउंट पड़ गया था और मैंने बिना सेल ऑर्डर कराए, सेल में शायद और डिस्काउंट मिल जाए आपको। बंद करने के लिए यहाँ पे जिप है जिसे आप जिप लगा सकते हो, प्लस ये हुक है, हुक से ऐसे बंद होता है ये। पॉकेट्स भी हैं इसको, फोन वगैरह अच्छी तरीके से आ जाएगा आपका। तो हाँ, मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर ट्राउजर्स फॉर ऑफिस वेयर या कोई इवेंट वगैरह में जाने के लिए, आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ ये शॉर्ट्स, घर में पहनने के लिए शॉर्ट्स। यू कैन नेवर गो रॉन्ग ऑन शॉर्ट्स इज व्हाट आई फील। द क्वालिटी इज टॉप नॉच, काफी अच्छा कपड़ा है इसका। बिल्कुल भी घर में पहनने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली अच्छा कपड़ा चाहिए एंड दिस इज डूइंग द बेस्ट ऑफ इट। मैंने इसमें लिया है साइज एम, ये रिसाइकल्ड कॉटन से बना है एंड दीज आर ऑफ 799 रुपीज। 800 रुपए में गाइस बुरा नहीं है, ये अच्छा है एंड वेरी वेरी गुड क्वालिटी इज व्हाट आई फील। 800 रुपीज में नॉट बैड यार, अच्छा है। मतलब इफ यू कैन गेट अ ब्रांडेड माल इन 800 रुपीज जो तुम मतलब बहुत घिस घिस के पहन सकते हो, इज गुड इनफ, आई लाइक इट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट आर दीज पैराशूट पैंट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें एक आवाज सुनाना चाहती हूँ। लिटरली जो पैराशूट का क्या कपड़ा होता है, जो भी कपड़ा है, डिट्टो वैसी आवाज है इसकी। साइज बता देती हूँ सबसे पहले, तो ये साइज एम में लिया है मैंने। इलास्टिक है, मतलब यहाँ पे नाड़ा टाइप्स है जिससे तुम टाइट भी कर सकते हो और लूज भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन काफी ज्यादा वाइड है, इतनी वाइड मेरी टांगे नहीं है। और नीचे से ये ऐसा है, इसको आप टाइट भी कर सकते हो तो ये टाइट हो जाएगा। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि जब पैराशूट पैंट्स जब मार्केट में आई थी नई नई, तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज यू नो इट यूज टू लुक बैगी और तुमको ऊपर से शीक बनाती थी और मतलब इट यूज टू लुक कूल एंड गुड एंड ऑल। और एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह को भी देख रखा था मैंने इसको पहने हुए। सो आई वॉज इन सच अ मूड कि मेरे को खरीदनी है। तो ऑनलाइन जाके देखा 2999 एंड आई वॉज लाइक मनी मन, ऐसी पैंटों के लिए, प्लस अभी लग रहा है ऐसे कपड़े के लिए मैं 2500-3000 दूँ, नहीं भाई नहीं दे पाऊंगी। बट इस बार मैं जब ऑर्डर कर रही थी बल्क में तो मैंने सोचा ऑर्डर कर ही देते हैं एंड नाउ दे आर प्राइस डैट 1499। आई गेस इनका सारा लोअर का प्राइस इतना ही है, 1500 रुपए का है एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये जीन्स जो मैंने खरीदी है। भाई बहुत अच्छी है क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की है एंड दिस इज इन द साइज 42। भाई मैं तो पहले वाली आर्ची होती ना 42, बट ठीक है नाउ आई हैव अंडरस्टूड। वाइट लेग जीन्स है ये, फिट इसका बहुत अच्छा है, मतलब मुझे वेस्ट से लूज नहीं है, बट से लूज नहीं है, क्रॉच एरिया को गंदी तरीके से दिखाता नहीं है एंड आई लव इट, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मुझे पड़ी है 2300 में। कहीं पर भी आप बाहर वगैरह जाओगे, अच्छे ब्रांडेड जगह से जीन्स लोगे, आपको इतने की पड़ेगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट आर दी शॉर्ट्स। दीज आर रेगुलर वेस्ट शॉर्ट्स, हाई वेस्टेड नहीं है, रेगुलर वेस्ट है, ठीक है एंड स्ट्रेचेबल है पीछे से, वेरी वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी। एंड मैंने ये लिया है इन द साइज 40, ठीक है। साइज पे मैं रोने लग गई ना तो बात ही कुछ और है। 1500 रुपए का है ये और क्वालिटी के हिसाब से आप बात करो 1500 थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 1200 के आसपास होता तो ठीक है चलता, बट 1500 इज ऑल्सो ओके। पॉकेट्स हैं, फोन आराम से आ जाएगा आपको, दो पॉकेट्स आगे दो पॉकेट्स पीछे, सो गुड परचेज आई मस्ट से। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो है ये टॉप। देखो जब ये आया ना मुझे बिल्कुल भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था ये H&M का टॉप है, ऐसा सा इससे बेटर तो जूडियो में मिल जाए। इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ऐसी डिजाइन है, इधर भी डिजाइन है, नीचे एकदम फ्लोई फ्लोई टाइप्स आ रहा है और यहाँ पे थोड़े फ्रिल्स भी आ रहे हैं, ठीक है, जो शोल्डर एरिया पे है। मैंने इसको लिया है इन द साइज S और ये मुझे पड़ा है 1000 रुपए का टॉप है ये।
टॉप पहने हुए में भी इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा, चीप क्वालिटी टाइप्स का लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये 4-5 बार धुल चुका है, ये खराब हो चुका है और ये मेरे पास आया है, तो ये तो मेरे को कतई रिटर्न ही करना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी एक कार्गो पैंट्स ही है, ये बेसिकली डेनिम कार्गो पैंट्स है। मैंने ये साइज लिया है अगेन 42। क्यूट लग रही है, ऐसी सी है, व्हाइट लेगेड सी है और यहाँ भी पॉकेट्स है, लाइक खुलती है, सामान आप यहाँ रख सकते हो। ये पड़ी है 2000 रुपीज की, 2000 रुपए में तो गाइज अच्छी है। चलते हैं यार, अब H&M के कपड़े नहीं चलेंगे तो किसके कपड़े चलेंगे। काफी अच्छा, यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन वन ऑफ दीज कार्गो पैंट्स, मुझे तो काफी पसंद है। नाउ वी आर ऑन टू आर लास्ट 3 आइटम्स। पहली है ये ड्रेस, लंबी सी ड्रेस है, फुल लेंथ ड्रेस है बेसिकली। मैंने इसको साइज S में लिया है एंड इतना सॉफ्ट मटेरियल है, इतना सॉफ्ट मटेरियल है, गर्मी नहीं लगेगी आपको, बट बहुत वेलवेटी वेलवेटी सॉफ्ट नहीं होता वैसा मटेरियल है, बट हाँ गर्मी नहीं लगेगी इसमें आपको। ये फुल यहाँ तक स्लीव्स आती है, एकदम क्यूट वाली फीलिंग देते हुए। पीछे यहाँ जरूर एक लाइन जाती है, वो लाइन भी इसलिए जाती है बिकॉज नीचे से अगर आप देखोगे इसके कट है, तो पीछे एकदम बट एरिया से नीचे आके यहाँ पे कट देता है, बहुत शीक एंड सेक्सी लगती है ये चीज। 1499 की, इतना अच्छा मटीरियल, बहुत वर्थ इट है 1500 रुपए का। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये, एकदम जिम वेयर टाइप्स आप इसे कह सकते हो, बढ़िया क्वालिटी है इसकी, ड्राई फिट टाइप्स फील देता है ये तुमको। मैंने इसको साइज S में लिया है, पॉलिएस्टर मटेरियल है ऑब्वियसली, एंड मैंने पता नहीं क्यों ये रोड साइड जगहों पर भी देखे हैं ये ऐसे टाइप के टॉप्स जो बिकते रहते हैं। यहाँ साइड में लिखा हुआ है चैंप्स वर्ल्ड 1972। ये है 999 का ये टॉप है। स्लीव्स का होल काफी सही है, ऐसा कुछ एकदम नीचे तक नहीं आ रहा है, प्रॉपर कवर देगा तुमको ये, एंड इसकी जो जिप है गुड क्वालिटी जिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पीस मेरा फेवरेट है, ये भी मेरा फेवरेट है एक्चुअली। कुछ ज्यादा है नहीं इस टॉप में, ठीक है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, बट जो इसका मटेरियल है भाई साहब, मैंने इसको साइज S में लिया है, 799, 2000% वर्थ एवरी पेनी ऑफ योर्स। प्लीज इस वीडियो के बाद नीचे लिंक दे के रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके खरीद लो, बस खरीद लो इसको, बहुत अच्छा है ये। इसकी नेकलाइन है वो बेस्ट है, बेस्टेस्ट नेकलाइन है, तो ये तो मैंने लास्ट बचा के रखा था फॉर द बेस्ट। सो या गाइस, दिस इज व्हाट आई परचेस्ड फ्रॉम मिंत्रा H&M। नाउ आई अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ इट, कि ये प्राइस चार्ज जो करता है तुम्हारे को उसके क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स के लिए चार्ज करता है। मोर ओवर, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू गाइस, आई लव यू, बाय।